The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Alright, so first aid. First aid ka matlab kya hai? First aid matlab इमरजेंसी या इमीडिएट केयर जो उसी समय चाहिए वरना पेशेंट की जान को हो जाएगा खतरा राइट तो ऐसा केयर जो आप दोगे डॉक्टर नहीं जो आप दे सकते हो जब कंप्लीट मेडिकल ट्रीटमेंट कंप्लीट मेडिकल असिस्टेंस अवेलेबल नहीं हो प्रॉपर जब तक वो नहीं मिलती तब तक आप क्या करोगे उसको कहते हैं फर्स्ट एड और ये बात याद रखिए माइनर कंडीशन के लिए कई बार फर्स्ट एड ही काफी होती है और सीरियस कंडीशन सीरियस प्रॉब्लम्स के लिए फर्स्ट एड तब तक चलनी चाहिए जब तक के एडवांस्ड केयर स्पेशलाइज्ड केयर प्रोफेशनल केयर मिल नहीं जाती अवेलेबल नहीं हो जाती राइट और ये सबसे बड़ी बात फर्स्ट एड में जो सबसे पहला और सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये नहीं है कि क्या करें वो ये नहीं है कि क्या करें किस चीज में करें मानेंगे सबसे बड़ा की फैक्टर द डिसीजन टू एक्ट कि करने का टाइम आ गया कि नहीं कुछ करें कि नहीं कि सोचने समझने में जो समय निकल जाता है ना जो मिनट्स और सेकंड्स वो मायने रखते हैं That is where the difference between life and death happens. The decision to act appropriately with first aid can mean the difference between life and death. So, बहुत जरूरी है आपको थोड़ी देर बाद उसको बोलो आधा 15 मिनट लगेंगे बहुत जरूरी है आपको इस चीज को समझना तो पहला काम आपको क्या करना है कभी अगर आप किसी को बेहोश देखो किसी को फर्स्ट एड की जरूरत पड़ते हुए लग रही है मे भी आप उन्हें जानते हो मे भी आप नहीं जानते सबसे पहले जाके खुद को इंट्रोड्यूस करो एक्सप्लेन कि आप क्या करने जा रहे हो अगर वो होश में है परमिशन लो जो भी आप कर रहे हो राइट ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर कोई कंफ्यूज्ड पर्सन कोई क्रिटिकली इंजर्ड पर्सन राइट है जो आपको नहीं बता सकता कि उसको क्या दिक्कत हो रही है तो आप डायरेक्ट उसकी मदद कर सकते तब वो इंप्लाइड कंसेंट आ जाता है नाउ व्हाट मींस फर्स्ट एड और व्हाट इज द बेसिक और फर्स्ट एड इज पहले आपको रिकॉग्नाइज करना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या है हो क्या रहा है बिफोर एक्चुअली हेल्पिंग है ना क्योंकि अगर आपको डाउट है जो कि मान लीजिए कोई सीरियसली बीमार पर्सन है सीरियसली इंजर्ड पर्सन है कोई भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहला रोल आपका है एक्टिवेट एन इमरजेंसी रिस्पॉन्स नॉट कि क्या करना है नहीं क्या करना है नहीं क्या करना है पहला काम है इमरजेंसी रिस्पॉन्स मीन्स कॉल फॉर हेल्प पुलिस वालों को कॉल कर लो आस पास के हॉस्पिटल कॉल कर लो बार वाले 911 कॉल कर लो वट एवर यू थिंक कॉल फॉर हेल्प मेडिकल हेल्प आपको नहीं समझ में आ रहा कि प्रॉब्लम है सीरियस है नहीं है जस्ट कॉल फॉर हेल्प आपको वहां पे फोन करोगे तो थोड़ा आइडिया और मिल जाएगा कि भाई आप बताओगे कि पेशेंट ऐसा है हॉस्पिटल के एम्बुलेंस वाले इमरजेंसी वाले आपको बताएंगे कि आप अब तब तक ऐसे करिए हम किसी को भेज रहे राइट और रिमेंबर जब आप इस समय इस तरीके से होते हैं डिटरमाइन करना प्रॉब्लम बहुत जरूरी है एक बार आपने डिटरमाइन कर लिया कि प्रॉब्लम फलाना ढमकाना है तब बात आती है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है अगर मान लीजिए देर इज एन अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट या इंजर्ड पेशेंट तब वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उनको उठाने की कोशिश करें कई बार क्या होता है पेशेंट को सिर्फ एक सीजर आया होता है दौरा पड़ा होता है और वो बेहोश हो जाते हैं पोस्ट इक्टल फेज में होते हैं जिसके लिए टेक्निकली कुछ नहीं चाहिए होता है लेकिन आपको पता होना चाहिए राइट
आपको पेशेंट के बारे में आइडिया, कई बार पेशेंट्स के ऊपर नोटिफिकेशन होता है कई बार कि उनके उनको कौन सी बीमारी है। बेसिक आप लोगों का फंडा क्या होना चाहिए, देयर शुड बी थ्री पीज इन्वॉल्व, पी फॉर परम बट पी थ्री। नंबर वन पी इज प्रिजर्व लाइफ, आपका मेन गोल है टू कीप द पर्सन अलाइव कैसे भी करके, टू प्रिवेंट फर्दर इंजरीज, कोई भी चीज जहां से इंजरी हो रही है, चाहे वो स्नेक बाइट हो, चाहे वो कोई कोई चोट लगी हो, कोई चीज लगी हुई है कोई, तो उस चीज को वहां से हटाओ ताकि वो और इंजरी ना हो जाए, या पेशेंट को वहां से हटाओ। मान लो कोई कोई एक्चुअल इंजरी जहां पे बर्निंग हो रही है, जल रहे हैं कोई, तो वहां से हटाओगे पहला काम तो करोगे कि नहीं। तो थर्ड पी प्रिजर्व लाइफ इज फर्स्ट पी, सेकेंड पी इज प्रिवेंट फर्दर इंजरी, एंड थर्ड इज प्रमोट रिकवरी। नाउ अब बात आती है टू ट्राई टू फिक्स द इंजरी एज बेस्ट एज यू कैन। उसमें आएगा कि स्नेक बाइट है तो क्या करे, हार्ट अटैक है तो क्या करे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें फिर आएगा प्रिवेंट फर्दर इंजरी में सीन सेफ्टी, कि भाई जहां पर भी ये सीन हो रहा है, जो भी अब क्राइम सीन तो नहीं है, ये इंजरी सीन है, इमरजेंसी सीन है, तो उस चीज में इमरजेंसी में आपको याद रखना है कि पहले जो भी डेंजर से उसको हटा लिया, और मान लीजिए कोई अलर्ट चीज है, बाकी सारे ऑटोमोबाइल्स है, ट्रैफिक में है, तो उसको वहां से हटाना आपको जरूरी है। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि अगर एक्सीडेंटल पेशेंट है तो उसके कहीं ऐसा तो नहीं आपने हटाया और नेक में रीढ़ की हड्डी में इंजरी हुई रखी है और वहां पर प्रॉब्लम ज्यादा हो जाए। तो इतनी थोड़ी सी बेसिक समझदारी आपको चाहिए कि दोनों, और नुकसान नहीं पहुंचाना है और साथ में हेल्प भी करनी। फिर समझ लीजिए किसी को चोट लगी है और अगर आप जाके डायरेक्ट अपना हाथ उस पर दबा दे रहे, यहां पे हाइजीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइजीन भी और खुद का प्रोटेक्शन भी जरूरी है आपको रखना, कि आपका हैंड, अगर हैंड सैनिटाइजर है हैंड सैनिटाइजर यूज कर लो, अगर ग्लव्स है ग्लव्स पहन लो, या फिर किसी ऐसी चीज से जिससे आपको और उसको दूसरे पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो जाए, उससे आप जिस भी इंजरी है, ब्लीडिंग हो रही है, उसको रोक सकते हो, राइट। अगर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब फिर जो अवेलेबल है उसका ही इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, राइट। और अगर फर्स्ट एड किट है, किट है किसी के पास, शाउट आउट, पूछो कि फर्स्ट एड किट है क्या, हो सकता है कोई ऐसी चीज आपको मिल जाए जो आपके काम आ जाए, बैंडेज मिल जाए, गॉज मिल जाए, आपको कोई एंटीबायोटिक क्रीम मिल जाए, बर्न क्रीम मिल जाए, कोई भी मास्क मिल जाए, कुछ मिल जाए। तो ये बेसिक है अबाउट फर्स्ट एड, कि फर्स्ट एड में आपको ये तीन चीजें कर, राइट, चाहे किसी भी प्रकार का फर्स्ट एड हो, करना क्या है उससे पहले ये सारे बेसिक क्लियर होने चाहिए, कि हॉस्पिटल कॉल करना है इम्पोर्टेंट आपको, अगर कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा तो 100 नंबर पे कॉल करो, 911 कर लो, व्हाटएवर इज योर लोकल नंबर, ताकि कोई तो हेल्प करने आए, आने वाला तो हो अगर कहीं नहीं है तो, या किसी और को बोलो और खुद हेल्प करो, एंड देन प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट फर्दर इंजरी, प्रमोट रिकवरी, मेक श्योर यू आर सेफ, मेक श्योर पेशेंट इज सेफ, एंड मेक श्योर द हेल्प इज कमिंग। फिर बात आएगी कि भाई पेशेंट को अटैक हुआ है या चोट लगी है या स्नेक बाइट है या क्या है, राइट, तो उस बारे में अभी बात करते हैं, ठीक है।